देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में जाकर मरीजों को फल वितरित किए हैं, साथ ही अन्य स्थानों में लोगों को मास्क सैनिटाइजर का भी वितरण किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने देश के विकास में अहम योगदान दिया था। उनकी प्रगतिशील सोच तथा प्रत्येक व्यक्ति के विकास की सोच ही उन्हें विशिष्ट दर्जा प्रदान करती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायती राज के सशक्तिकरण तथा सूचना क्रांति की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया था। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है, मैं गावड़ी बोल से हूँ। और बालम जी ने मेरे को बहुत मदद कर रखी है, इतनी दवाइयाँ उन्होंने बहुत मदद की है मेरी। मेरा ऑपरेशन का पूरा उन्होंने ख्याल रखा है और अभी उन्होंने बहुत सहायता की, धनराशि भी उन्होंने मेरे को ये किया, अभी मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, मैं धीरज कुमार, जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया बागेश्वर। आज दिनांक 21/5/2021 को पूर्व भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की 31वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा उनकी पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें हमें आदेश हुआ कि हाईकमान से आदेश हुआ और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी से हमें आदेश हुआ कि आप हॉस्पिटल जाइए, मरीजों को फल वितरित कीजिए और क्या बोलते हैं, जो भी मतलब हर संभव हमसे मदद हो सकती है वो आप कीजिए। और ये हमारे प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण जी ने कुछ फल और कुछ दवाइयाँ और कुछ नगद धनराशि दीपक कुमार जी, जो कि गाड़ीगोल के निवासी हैं, काफ़ी लंबे टाइम से वह कई लंबी बीमारी से ग्रसित हैं, उनका इलाज करा रहे हैं और उनसे मिलकर भी हमें बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे बोला कि बालकृष्ण जी ने मुझे एक नया जीवन दिया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर, जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज जिला चिकित्सालय बागेश्वर में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण जी के सहयोग से फल वितरण, दवाइयाँ वितरण, जो मरीज यहाँ पर भर्ती थे उनको की गई। बालकृष्ण जी जो कि इस समय किसी कारणवश कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने संसाधनों से दवाइयाँ फल की व्यवस्था कर फल वितरण के इस कार्यक्रम को राजीव गांधी जी की 31वीं पुण्यतिथि पर संपन्न करवाया, जो कि सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज युवा कांग्रेस बागेश्वर द्वारा माननीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर कोरोना महामारी को समर्पित करते हुए उनकी पुण्यतिथि को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया, जिसके तहत बागेश्वर में कोरोना से प्रभावित जरूरतमंद परिवारों को 13 जो लोग संक्रमित हुए थे उनके 11 परिवारों को आज युवा कांग्रेस बागेश्वर द्वारा होटल ओमकार कपकोट के प्रोपराइटर नीलकमल जोशी जी के सहयोग से राशन किट, सैनिटाइजर और मास्क वितरण किए गए। देखिए, आज बागेश्वर जिले के अंदर हम लोगों ने सद्भावना दिवस के तहत यहाँ पर को मनाया गया है और उसके दौरान हम लोगों ने राजीव गांधी जी को याद करने के साथ साथ ही उन लोगों के घरों में राशन पहुँचाने का काम किया है जो कोरोना ग्रसित हैं, और इसके तहत हम लोगों ने नुमाइश खेत में, थैज में, और उसके बाद हमने स्टेशन के ऊपर यहाँ पर को राशन पहुँचाने का काम किया है और अन्य भी ये हमारा प्रोग्राम लगातार, वैसे तो सप्ताह भर का हमारा प्रोग्राम था, और मास्क और सैनिटाइजर को लेकर हम पब्लिक तक पहुँचे थे और अब पब्लिक की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जो मूलभूत चीज़ें हैं, रोजमर्रा की चीज़ें हैं, उन तक उनको पहुंचाने का काम यूथ कांग्रेस कर रही है। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।